तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग चार मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करने वाले हैं। पहली मूवी है IB71, इस मूवी का रिलीज भी आज 11वां दिन है। दूसरी मूवी है 2018, इस मूवी का रिलीज भी आज 18वां दिन है। तीसरी मूवी है दी केरला स्टोरी, इस मूवी का भी रिलीज भी आज 18वां दिन है। और चौथी मूवी है कस्टडी, इस मूवी का रिलीज भी आज 11वां दिन है। तो बात करेंगे ये सारी ही मूवीज़ अपने आज के दिन पर कितना कलेक्शन कर रही है और इन सारी मूवीज़ ने अब तक टोटल कितना कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। इसके अलावा इन सारी मूवीज़ के बजट की भी बात करेंगे और स्टार कास्ट की भी। तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो गाइस वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले बात करते हैं IB71 मूवी की। तो गाइस ये एक बॉलीवुड मूवी है। मूवी के लीड में आपको विद्युत जम्वाल और अनुपम खेर देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की अगर मैं बजट की बात करूं तो इस मूवी का बजट है 40 करोड़ रुपए। मूवी के कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का रिलीज हुआ आज 11वां दिन है और पिछले 10 दिनों में जो इस मूवी ने कलेक्शन कर लिया है इंडिया से नेट कलेक्शन वो हो चुका है 14 करोड़ 65 लाख रुपए। बात करें मूवी आज के दिन पर कितना कलेक्शन कर रही है तो आज 11वें दिन पर इस मूवी का कलेक्शन निकल कर आ रहा है इंडिया से नेट कलेक्शन 80 लाख रुपए। बात करें मूवी ने टोटल कितना कलेक्शन कर लिया है तो इस मूवी का टोटल 11 दिनों का इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका है 15 करोड़ 45 लाख रुपए। जो कि देखा जाए इस मूवी ने ठीक ठाक कलेक्शन कर लिया है। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलेक्शन तो नहीं किया लेकिन ठीक ठाक कलेक्शन कर लिया है। बाकी इस मूवी की अगर मैं रिव्यूज़ की बात करूँ तो इस मूवी के रिव्यूज़ भी मिक्स देखने को मिले हैं। कुछ लोगों को ये मूवी पसंद आई है और कुछ लोगों को ये मूवी पसंद नहीं भी आई। आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। अभी तक नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना। तो अभी बात करते हैं हमारी दूसरी मूवी 2018 की। तो गाइस ये एक मलयालम मूवी है। मूवी के लीड में आपको त्विनो थॉमस देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की अगर मैं बजट की बात करूं तो इस मूवी का जो बजट है वो है 25 करोड़ रुपए का, अच्छा बजट। मूवी के कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी को जो है वो रिलीज हुई आई थिएटर्स में 18वां दिन है और पिछले 17 दिनों में जो इस मूवी ने कलेक्शन कर लिया है इंडिया से नेट कलेक्शन वो हो चुका है 63 करोड़ 65 लाख रुपए। देखा जाए इस मूवी ने बहुत ही बड़ा कलेक्शन कर लिया है। बात करें मूवी आज के दिन पर कितना कलेक्शन कर रही है तो आज 18वें दिन पर इस मूवी का इंडिया से नेट कलेक्शन निकल कर आ रहा है 2 करोड़ 20 लाख रुपए। मूवी के अगर टोटल कलेक्शन देखे जाए तो इस मूवी ने टोटल 18 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन कर लिया है 65 करोड़ 85 लाख रुपए, जो कि इस मूवी ने बहुत ही बड़ा कलेक्शन कर लिया और ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। इस मूवी को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है और इस मूवी की बहुत ज़्यादा तारीफ की जा रही है। इस मूवी की जो स्टोरी है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और इस मूवी की जो डायरेक्शन है उसकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ की जा रही है। आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट करके बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। अभी तक नहीं देखा तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लेना। तो अभी बात करते हैं हमारी तीसरी मूवी दी केरला स्टोरी की। तो गाइस ये एक हिंदी मूवी है। मूवी के लीड में आपको आदाश शर्मा देखने को मिलने वाली है। मूवी की अगर मैं बजट की बात करूँ तो इस मूवी का जो बजट है वो है 30 करोड़ रुपये। मूवी की अगर कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी को रिलीज हुई थिएटर्स में 18वां दिन और पिछले 17 दिनों में जिस मूवी ने कलेक्शन कर लिया है इंडिया से नेट कलेक्शन वो हो चुका है 198 करोड़ 50 लाख रुपए, जो कि इस मूवी ने बहुत ही बड़ा कलेक्शन कर लिया है। बात करें मूवी आज 18वें दिन पर कितना कलेक्शन कर रही है तो आज के दिन पर इस मूवी का इंडिया से नेट कलेक्शन निकल कर आ रहा है 6 करोड़ 50 लाख रुपए, जो कि ये आज के दिन पर बहुत ही बड़ा कलेक्शन कर रही है। मूवी के अगर टोटल कलेक्शन देखे जाए तो इस मूवी ने टोटल 18 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन कर लिया है 205 करोड़ रुपए का, जो कि देखा जाए इस मूवी ने बहुत ही बड़ा कलेक्शन कर लिया है और ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। इस मूवी को भी जो है वो ब्लॉकबस्टर का टैग मिल चुका है और इस मूवी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और इस मूवी की स्टोरी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और ये मूवी रुकने वाली नहीं है। ये मूवी अभी बहुत बड़ा कलेक्शन करने वाली है क्योंकि ये मूवी डे बाई डे अच्छा कलेक्शन करती जा रही है और 10-12 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ डेली ये वर्किंग डे में भी करती है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी मूवी बनने वाली है। आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट करके बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देख लेना। तो अभी बात करते हैं हमारी चौथी और लास्ट मूवी कस्टडी की। तो गाइस ये एक तेलुगु मूवी है। मूवी के लीड में आपको तेलुगु सुपरस्टार नागा चैतन्या देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की अगर मैं बजट की बात करूँ तो इस मूवी का जो बजट है वो है 30 करोड़ रुपए। मूवी के कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी को रिलीज हुई आई थिएटर्स में 11वां दिन है और पिछले 10 दिनों में जो इस मूवी ने कलेक्शन कर लिया है इंडिया से नेट कलेक्शन वो हो चुका है 12 करोड़ 75 लाख रुपए, जो कि देखा जाए इस मूवी ने बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर लिया है। बात करें मूवी आज के दिन पर कितना कलेक्शन कर रही है तो आज 11वें दिन पर इस मूवी का इंडिया से नेट कलेक्शन निकल कर आ रहा है 35 लाख रुपए। मूवी के अगर टोटल कलेक्शन देखे जाए तो इस मूवी ने टोटल 11 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन कर लिया है 13 करोड़ 10 लाख रुपए, जो कि देखा जाए इस मूवी ने अच्छा कलेक्शन कर लिया है। इस मूवी का जो बजट है वो है 30 करोड़ रुपये। अगर ये मूवी ऐसे ही कलेक्शन करती रही तो अपना बजट आसानी से कवर कर सकती है। बाकी इस मूवी की अगर मैं रिव्यूज़ की बात करूँ
तो इस मूवी का जो रिव्यूज़ हैं वो मिक्स देखने को मिले हैं लोगों को। कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई और कुछ लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आई। आप लोगों ने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना। इन सारी ही मूवीज़ में से ज़्यादा अच्छी आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपने कौन सी देख ली है और कौन सी अभी तक नहीं देखी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ऐसी ही और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के।